तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12X Android मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के स्टोरेज को आप खाली कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको अपने मोबाइल फोन का स्टोरेज खाली करना है तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन की गैलरी को ओपन करना है। गैलरी के अंदर आपकी जितने भी फालतू की फोटो वीडियो आपने रख रखे हैं, सारी की सारी फालतू की फोटो वीडियो आपको परमानेंट डिलीट कर देनी है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी फालतू के ऐप्स हैं, यानी कि जिन ऐप्स को आप अपने फोन में इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन सभी फालतू के ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना है। इससे भी फोन का स्टोरेज खाली हो जाता है। अगला काम ये करना है कि आपके ना मोबाइल फोन में काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिल जाएगी, तो जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिल जाती है, उन सभी ऐप्स में से बैकअप सेटिंग को बंद कर देना है। यहां पर मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल के लिए मैं अपने फोन की ना गैलरी को ओपन करता हूं। गैलरी में देखिए, राइट साइड के टॉप पर मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, राइट साइड के टॉप पर ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर होती है, इसे आपको टैप करना है। आपका यहाँ पर एक ये पेज आता है, इसमें आपको एक बैकअप की सेटिंग मिलती है, तो ये बैकअप इज ऑफ लिखा हुआ है मेरे फोन में, तो ये मैंने इस ऐप की ना बैकअप सेटिंग को पहले से यहाँ पे बंद कर रखा है। अब अगर आपकी ये बैकअप सेटिंग यहाँ पे चालू रहती है, तो इसके ठीक नीचे ऑफ का बटन होगा या फिर डू नॉट बैकअप लिखा होगा, उसे टैप करके आपको ये बैकअप सेटिंग को बंद कर देना है। इसी तरीके से आपको और भी जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिल जाती है, उन सभी ऐप्स में से भी बैकअप सेटिंग को बंद कर देना है। देखिए दोस्तों, ऐप्स की बैकअप सेटिंग को इसलिए बंद करवा रहा हूँ क्योंकि अगर ये बैकअप सेटिंग चालू रहती है तो हमारे फोन का इंटरनल स्टोरेज जल्दी फुल हो जाता है, इसलिए आपको इन बैकअप सेटिंग को बंद रखना है, जिससे आपके फोन का स्टोरेज भी खाली रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए, अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहां पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। अब यहां पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब आपको जो अगले पेज में इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है, आपको जो है वाले पेज पे इरेज डेटा का ये ऑप्शन आपको टैप करेंगे, तो इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन का स्टोरेज जो है वो खाली हो जाएगा। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जो भी काम का डेटा है ना, उस डेटा का आप ना बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और फालतू का डेटा फोन में ऐसे छोड़ देना है, रीसेट करने से फालतू का डेटा डिलीट हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके फोन का स्टोरेज जो है खाली हो जाएगा, ठीक है ना।